प्रार्थना लइयो, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। हाँ, कि तुम लक्ष्मी नारायण पकड़ के ले जाओ, कि लक्ष्मी ले आओ ता नारायण। हाँ, कछु आदमी विचित्र हो। एक आदमी बोलो, हमने कही क्यों भाई तुम घूस क्यों लेते हो घूस? हाँ, बोले गुरु जी हम तो हनुमान चालीसा के आदेश पर। हम कहा हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा? बोले उसमें लिखा होत न आज्ञा बिन पैसा रे। हम कही तो ठीक है, लगे रहो। आदमी बहुत विचित्र, अपने अनुसार अर्थ निकाल ले। ऐसे एक बार कहा भोगे एक बाप तो बाप, बाप तो बाप, बाप तो बाप जैसा होता है। अच्छा देखो, कहो माँ, माँ में मुँह खुल जात, माँ सो मुँह खुल जात, और कहो बाप सो चुप हो जात। मतलब सीधा सा अर्थ है, जिसके सामने अपनी हम ख्वाहिशें बता दें वो है माँ, और जी हम देख के सब ख्वाहिशें बंद हो जाएं वो है बाप। हाओ हाओ, तो ऐसे ही एक बाप हो तो लड़का को, लड़का ने कई बार रोका लड़का को बाप ने, ये जो सेब का पेड़ है वो मत काटना। लेकिन लड़का तो लड़का, एक दिन उन्हें कुलरिया लियो सेब को पेड़ो काट दो। बाप बड़ा नाराज हुआ, लाल हुआ, क्यों काटा, क्या जरूरत थी काटने की, किसने काटा? लड़का बोलो हमने। बाप बोला कि एक तो पेड़ काटा, ऊपर से सीना चोरी दिखा, सीना चोरी दिखाता है, शर्म नहीं आती? अरे बोले पिताजी हमने कितना सत्य बोल दिया कि हमने काटा, तुरंत स्वीकार कर लिया, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए। बोले मतलब? अरे बोले छोटे में आपने कथा सुनाई थी कि एक विदेश का राष्ट्रपति था, उसके बालक ने सत्य बोला तो सेब का पेड़ काटा, और पिता ने पूछा कि किसने काटा, तो उसने बता दिया कि हमने, तो पिता ने पीठ थपथपाई, वाह धन्यवाद, सत्य तो बोला कम से कम तुमने। तो बोले तुम्हें भी हमको धन्यवाद देना चाहिए, हमने सत्य बोला। अरे बोले आगे के लगे पगला, वो कथा वाली कथा बात छोड़, लेकिन उसका बाप सेब के पेड़ पे नहीं था, मैं तो ऊपर बैठा था, हमारी करियाई टूट गई सत्य के चक्कर में। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बुद्धिहीन, वो ऐसे अच्छा जो बुद्धिमान होते वे खतरनाक। गुरु गुरु गवई ले जात, चेला शक्कर हो जात। कई बार चेला नहीं मिलत, गुरु ही मिलत गुरु। अच्छा गुरु ही पे हमें ध्यान आ गया, एक और कथा सुनो बढ़िया डेकाडोन। हाँ, हमें ध्यान आ गया। एक बार एक गुरु जी ने सब विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों तुम जिसको ज्यादा मानते हो उसकी पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग। तो उस विद्यालय में एक टिल्लू गुरु थे, था तो विद्यार्थी लेकिन उसका नाम ही था टिल्लू गुरु। आओ आओ, तो वे भी विराजमान थे, तो गुरुजी पूरी बात कह नहीं पाए, और टिल्लू गुरु कागज लेके पहुंच गए, बोले बन गई। तो गुरुजी चौंक गए, बोले अबे हम पूरी बात ही नहीं कह पाए, तुमने पेंटिंग बना दी, दिखा। अरे बोले हम साधारण थोड़ी हैं गुरु जी, दिखा। और जब देखी सो कोरो कागज, बोले क्यों इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे बोले ये आधुनिक पेंटिंग है। तो गुरुजी बोले मतलब? अरे बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले इसमें क्या है? अरे बोले दिखाई नहीं पड़ रहा, गाय घास चल रही। किसकी पेंटिंग? बोले गाय की और घास की। बोले देखा, बोले देखो अब वो तो कोरा कागज भाइट रावे। तो बोले तुम बड़ा पागल बोलते, झूठ। बोले क्यों बोलते? बोले कहाँ है घास तो हरी होती, इसमें कहाँ है? बोले घास तो गाय चर गई। तो गुरु ने कहा भार में गया, गाय अगर घास चर गई कोई दिक्कत नहीं, पर गाय कहाँ है? बोले गाय घास चरने के बाद क्यों रुकेगी? जब गाय ने घास खा ली क्यों रुकेगी? लटका भैया घरे गई, भाग गई। गुरु जी बोले जय हो, चिला बोले खुशी रहा। हाँ, गुरु जी बोले चरण कहाँ है? बोले धरती पे। हाँ, गुरुजी ने उसकी कुंडली मंगवाई कि इसका किस नक्षत्र में जन्म हुआ, इसी नक्षत्र में सब चेला होने चाहिए। और गुरुजी हमने सुना कि वो गुरुजी भी गृहस्थ थे और उनकी धर्म पत्नी गर्भवती थी, तो उन्होंने टिल्लू गुरु की जन्म कुंडली मंगवाई। बोले क्यों? बोले इसी नक्षत्र में हम भी पुत्र पैदा करवाएंगे। तो टिल्लू गुरु ने कहा क्यों? बोले कम से कम तुम्हारे जैसा तो होगा। ऐसे विचित्र, ऐसे अर्थ का अनर्थ निकालने वाले होते हैं, लेकिन हम तो सीधो बता भी, सत्य ही नारायण है
और नारायण ही। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।